नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSC Solutions with अनुज। आज है 20 मार्च और हम 20 मार्च के करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। एक बार थोड़े से रिविजन्स क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पोप ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया, तो वो किया था अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे किया था? अरुणाचल प्रदेश में। किसने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया? तो जो राजीव चंद्रशेखर हैं उन्होंने क्या किया था, जो भारत के पहले फ्यूचर लैब्स हैं उनका उद्घाटन किया। संगीता कलनिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया एम कृष्णा को। किसे किया गया? एम कृष्णा को। किसे परोपकार कार्यों के लिए पीवी नरसिंहा राव मेमोरियल पुरस्कार दिया गया? रतन टाटा को। कौन सा? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे दिया गया? रतन टाटा को दिया गया। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की लिस्ट में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा फंड मिले हैं? तो वो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी BJP को। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का तीसरा परीक्षण किया गया? तो वो है SpaceX। ठीक है, किस कंपनी ने भारत देश के लिए पहला गेमिंग इनक्यूबेट लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये की थी क्रैफ्टॉन इंडिया ने। ठीक है, उसके बाद है भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? वो किया गया था नई दिल्ली में। किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो टाटा पावर ने लॉन्च किया है। और जो पोखरा है को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? नेपाल की। पोखरा को किसकी? नेपाल की राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, आज देख लेते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइज है कौन सी है? लेमेटिए 2024। कौन सी है? लामेटिए 2024। तो ये किस किसके बीच हो रही है? इंडिया और सेशेल्स के बीच। किसके बीच? इंडिया और सेशेल्स के बीच। ठीक है, यह अभ्यास दोनों देशों के बीच 10वां अभ्यास है। कौन सा एडिशन है? 10th एडिशन है। लामेटिए संयुक्त सैन्य अभ्यास 18 से 27 मार्च 2024 तक सेशेल्स में आयोजित किया जाएगा। क्रियोल भाषा में लामेटिए का मतलब क्या है? दोस्ती। ठीक है, एक्सरसाइज लामेटिए 2024 में इंडियन गोरबा राइफल्स और सोशल डिफेंस फोर्स शामिल हैं। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपर के लिए। अब देख लेते हैं सेशेल्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ राजधानी की तो विक्टोरिया, मुद्रा सेशेल्स रुपया, और अध्यक्ष कौन है? वेकल राम कलावन। कौन है? वेवल राम कलावन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो तमिली सुंदराजन, जो तमिली साई सुंदराजन है उन्होंने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, वो कौन सी स्टेट की गवर्नर है? तो वो तेलंगाना की गवर्नर थी और उन्होंने अब क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया है। ठीक है, तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदराजन ने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा किसको दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है पॉलिटिका कि जब गवर्नर रिजाइन करता है तो किसको करता है? प्रेसिडेंट को करता है। सुंदराजन ने तेलंगाना राज्य की दूसरी राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने 8 सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडिया 2024 में भारत में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये भी किया गया था हमारा तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? तेलंगाना में। भारत में जो वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन 17 मार्च 2024 को हैदराबाद तेलंगाना में समाप्त हुआ है, यह विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांतिवनम हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया था। इसकी थीम क्या थी? इनर पीस टू द वर्ल्ड पीस। इंपॉर्टेंट है थीम, इनर पीस टू वर्ल्ड पीस। कान्हा शांतिवनम गैर लाभकारी संगठन हॉर्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है। कान्हा शांतिवनम दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, आपने याद रखना है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। अगर मैं बात करूँ तेलंगाना की तो तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हमारी हैदराबाद।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तेलंगाना की जो गवर्नर थी तमिलीसाई सौंदरराजन, उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है। स्थापित हुआ था 2 जून 2014 को। नेशनल पार्क है कसुब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, झील है पाकाल झील। अब कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं तेलंगाना के। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन PM मोदी द्वारा किया गया। और देश की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद, कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? जो माजुली मास्क है, कौन सा माजुली मास्क, उसको GI टैग मिला है और वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? वो है हमारा आसाम से रिलेटेड। कौन सी से है? आसाम। अगर उसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगी इसकी? दिसपुर, ठीक है। भारत सरकार ने हाल ही में आसाम के जो माजुली मास्क है उसको GI टैग, मतलब भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है। माजुली राज्य में सदियों से कला संस्कृति परंपरा का एक अनूठा भंडार रहा है। इन मुखौटों का उपयोग अक्सर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। GI टैग क्या होता है? एक स्पेशल टैग होता है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट भौगोलिक संस्थान से उत्पन्न होने वाले उत्पादों की पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आसाम की, तो राजधानी क्या है? दिसपुर। अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री की तो हेमंत बिश्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मैं बात करूं करंट अफेयर्स के तो सबसे पहले क्या है, आसाम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी कहाँ शुरू की गई है? आसाम में। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। और जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप में सम्मानित किया गया है। और असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगन आइकन कौन बनी है? हु हैज बिकम द नेशनल डिसेबिलिटी आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ये बनी है शीतल देवी। कौन बनी है? शीतल देवी। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। जो पैरा तीरंदाज है और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगन आइकन बनी है। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, अनुच्छेद 324 से 329, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार और अन्य दो आयुक्त क्या हैं? सुखवीर सिंधु और ज्ञानेश कुमार, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखो ये डेज से रिलेटेड है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2024 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 मार्च को मनाया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया भाई साहब? 20 मार्च को मनाया गया। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2012 में की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2013 में मनाया था, ठीक है। कोई नहीं, पूछे आपने बस ये याद रखना है मनाया कब जाता है, 20 मार्च को, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में हुई रूसी राष्ट्रपति चुनाव के राष्ट्रपति से किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट इन द रिसेंटली हेल्ड रशियन प्रेजिडेंशियल इलेक्शन? तो ये चुना गया है व्लादिमीर पुतिन को, ठीक है। अब रूस का देख लेते हैं। राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूसी रूबल, महाद्वीप यूरोप और एशिया, प्रधानमंत्री हैं मुखाइल मिशुस्टन, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है नई दिल्ली को। किसको दिया गया है? नई दिल्ली को, ठीक है। उसके बाद देख लो एक बार, नई दिल्ली 2018 से लगातार 4th साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा भारतीय शहर
दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? विच इंडियन सिटी हैज एमर्ज्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया? तो वो बनी है बेगूसराय। कहाँ का? बिहार का जो बेगूसराय है वो बना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, जो स्विस संगठन है आईक्यू एयर द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के बेगूसराय को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। उसके बाद आता है, ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो? तो ये बनी है मौसमी चक्रवर्ती, ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है। सूचना और प्रशासन मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मौसमी चक्रवर्ती वसुधा गुप्ता का स्थान लेंगी। स्थापित हुआ था 1936 में, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, संस्थापक भारत सरकार, मुख्यालय आकाशवाणी भवन नई दिल्ली, ठीक है। ये हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ स्टैटिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासक द्वारा कराया गया था। पूछ सकता है अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, जो गुप्त शासक थे उन्होंने करवाया। उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी का निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था। नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु कहा जाता है। और तोता ए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है, अमीर खुसरो को जाना जाता है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कहाँ, केरला राज्य में है, ठीक है। उसके बाद है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है। और जो US और कनाडा के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखाएँ हैं वो है 49वीं समांतर रेखा। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। ये हुए हमारे आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।